प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अश्लील वीडियो के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिमाचल की पुलिस ने आरोपियों को शिमला से काबू किया है और काबू किए गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़की ने ही अश्लील वीडियो बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को काबू किया है। हिमाचल पुलिस ने शिमला से दो आरोपियों को बीती रात गिरफ्तार किया और काबू किए गए आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक लड़की का ही नाम सामने आया था और बता दें कि लड़की ने हॉस्टल में ही बाकी अन्य लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई थी। तो वहीं इस गर्म मुद्दे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल पुलिस ने शिमला से आरोपियों को काबू किया है और पकड़े गए यह आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा आरोपी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अश्लील वीडियो के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिमाचल की पुलिस ने आरोपियों को शिमला से काबू किया है और काबू किए गए यह आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़की ने ही अश्लील वीडियो बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को काबू किया है। हिमाचल पुलिस ने शिमला से दो आरोपियों को बीती रात गिरफ्तार किया और काबू किए गए आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक लड़की का ही नाम सामने आया था और बता दें कि लड़की ने हॉस्टल में ही बाकी अन्य लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई थी। तो वहीं इस गर्म मुद्दे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल पुलिस ने शिमला से आरोपियों को काबू किया है और पकड़े गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा आरोपी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अश्लील वीडियो के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिमाचल की पुलिस ने आरोपियों को शिमला से काबू किया है और काबू किए गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़की ने ही अश्लील वीडियो बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को काबू किया है। हिमाचल पुलिस ने शिमला से दो आरोपियों को बीती रात गिरफ्तार किया और काबू किए गए आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक लड़की का ही नाम सामने आया था और बता दें कि लड़की ने हॉस्टल में ही बाकी अन्य लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई थी। तो वहीं इस गर्म मुद्दे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल पुलिस ने शिमला से आरोपियों को काबू किया है और पकड़े गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा आरोपी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अश्लील वीडियो के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिमाचल की पुलिस ने आरोपियों को शिमला से काबू किया है और काबू किए गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़की ने ही अश्लील वीडियो बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को काबू किया है। हिमाचल पुलिस ने शिमला से दो आरोपियों को बीती रात गिरफ्तार किया और काबू किए गए आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक लड़की का ही नाम सामने आया था और बता दें कि लड़की ने हॉस्टल में ही बाकी अन्य लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई थी। तो वहीं इस गर्म मुद्दे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल पुलिस ने शिमला से आरोपियों को काबू किया है और पकड़े गए ये आरोपी एक बेकरी में काम करता है तो दूसरा आरोपी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से।